नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हथवा केबल एंड डाटा कॉम लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है, टोटल इसमें जीरो कर्जा। जी हाँ, कुछ भी अभी प्रेजेंट टाइम में कर्जा नहीं है। इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, इसका बिजनेस का वैल्यू भी बहुत अच्छा है। लेकिन करंट अगर प्राइस की बात करें तो 17 रुपया है, इसका बुक वैल्यू की बात करें तो 23 रुपया है। ठीक है, ये लगभग 8 से 10 साल हो गया। जी हाँ, 8 से 10 साल हो गया, अभी तक इसका शेयर ऊपर नहीं जा रहा। बल्कि अगर देखा जाए तो लगभग 47% माइनस में है, अगर इसका 10 साल का वैल्यू की बात करते हैं। ये क्यों माइनस में है, अभी मैं आपको इस शेयर के बारे में क्यों इतना बता रहा हूँ कि ये शेयर आगे ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, या फिर क्यों ऊपर जा सकता है, इसका भी मैं आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको हथवा से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन है ना, पूरा आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरी अगर सलाह की माने तो लगभग इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 99% इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल जो भी इन्वेस्ट है वो आपके ऊपर रिस्क है, वो आपका मनी है, अपने हिसाब से देख के इन्वेस्ट करिए। क्योंकि बस ये वीडियो जो है आपके सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। बस इसमें मैं बता रहा हूँ आपको ये स्टॉक आपको क्यों अभी तक ऊपर नहीं गया, अभी क्या कारण है जो स्टॉक ये आपको अगेन ऊपर की तरह रॉकेट की तरह जाएगा, इसका मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूँ, हालांकि आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मैंने बताया, इसका मार्केट कैप 318 करोड़ का है, इसका बुक वैल्यू 23 रुपया है, और प्रेजेंट टाइम में यह स्टॉक 17 रुपये के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग 75%, मतलब ये जबरदस्त प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। और यहाँ पे अगर देखिए कंपनी के अगर डेट की बात कर ले तो टोटली डेट फ्री है, अभी प्रेजेंट टाइम में डेट फ्री है। इसके पहले 8 से 10 साल, मतलब 2010 से 2020 तक ये डेट फ्री नहीं था। मतलब इस पर कंपनी के ऊपर कर्ज था, कितना था, 1975 करोड़ रुपये का इस पर कंपनी के ऊपर कर्ज था। वो अभी प्रेजेंट टाइम में ये टोटली डेट फ्री है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आपके लिए ये बहुत यूजफुल हो जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिटेल से आपको मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं थोड़ा मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, इस कंपनी में जो रिलायंस इंडस्ट्री है ने अपनी सहायक कंपनी जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वर्ष 2019 में लगभग 4100 करोड़ कंपनी में लगभग 72% हिस्सेदारी की थी। और हथवा का अधिग्रहण जियो इंडस्ट्री द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, और पहला आरजीओ है जो हथवा आरजीओ के विकास के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि कंपनी अधिकृतकर्ताओं को 6 मिलियन घरों तक करती है। हथवा अग्रणी केवल ब्रॉडबैंड सेवाओं में से एक है जिसके पास लगभग 5.5 मिलियन होम पास और 0.97 मिलियन घरों में ग्राहक आधारित है। हथवा अपनी पहली केवल ऑपरेटर कंपनी है जिसने भारत में अपने ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करती है। और ब्रॉडबैंड के अगर व्यवसाय की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 35.5 मिलियन है। देखिए, कंपनी प्रमुख है 16 शहरों में लगभग 0.97 मिलियन ग्राहक के आधार के साथ भारत में अग्रणी ब्रॉडबैंड खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। और इसकी औसत जो ब्रॉडबैंड खपत है, आप देख सकते हैं 188 की औसत डाटा खपत के साथ 1.04 MBPS है। तवा के पास यहाँ पे देख सकते हैं पेन इंडिया ISC लाइसेंस है, और कंपनी के पास एक व्यवसाय नेटवर्क है और 6 मिलियन डिजिटल केबल घर हैं, और पूरे भारत में 350+ है शहर और प्रमुख शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पे अगर GDPL एक अग्रणी केबल TV और ब्रॉडबैंड सेवाएं कंपनी है जिसका नेतृत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में है, और इसके 8 मिलियन से अधिक ग्राहक है। GDPL हथवा की सहायक कंपनी है और कंपनी में लगभग 37% हिस्सेदारी है। पे ऋण के माध्यम से हथवा अभी तक क्यों ऊपर नहीं जा रहा था, सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ष 2010 में, जी हाँ, वर्ष 2010 से 2020 तक लगभग 10 से 9 वर्ष के लिए सब कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था 2010 से लेकर 2020 तक चुकाना पड़ा था। और मार्च 2020 के दौरान कंपनी ने उधार लिया था, जो उधार था 1975 करोड़ ने कर्ज जो चुकाया, तो इसलिए अभी तक इस कंपनी के ऊपर कर्ज था। ठीक है, 2021 में इन्होंने पूरा कर्ज चुकाया जिसमें फिर से उन्होंने को प्रॉफिट हुआ लगभग 10 करोड़ रुपए का।
तो ये कंपनी अभी के समय में देखा जाए तो बिल्कुल कर्ज मुक्त है, किसी प्रकार का कुछ भी इसमें कर्ज नहीं है। तो अब बिल्कुल अब देखिए टाइम है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे देख सकते हैं आपको, मैं पूरा जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद ही जाकर इंग्लिश और हिंदी में दोनों दे दूंगा, आप आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। पूरा देखिए पूरा समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। कहने का मतलब ये है कंपनी लगभग 2010 से 2020 तक इसमें कर्ज में डूबी थी और टोटल कर्ज जो था वो 975 करोड़ रुपये का कर्ज था कंपनी के ऊपर। और जो इसमें से 2019 में जब रिलायंस इंडस्ट्री ने मिलकर इसमें काम किया था उसके बाद इसको कंपनी के ऊपर 2900 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था। तो जो ये प्रॉफिट हुआ था उस कंपनी ने क्या कर दिया, उसको चुकाया, मतलब पूरा जो पैसा था उसको चुकाया, जो 975 करोड़ रुपया इसने कर्ज लिया था वो पूरा पैसा इसने चुकता कर दिया 2021 में। अब 2022 में ये कंपनी पूरी तरह कर्ज मुक्त है, इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। तो अभी के टाइम पे इसमें आप मान सकते हैं ये सही टाइम है, आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर को आगे लेके जाएगा। आप जैसे मैंने प्रमोटर का होल्डिंग भी एक अच्छा खासा है, 75% प्रमोटर का होल्डिंग है, सब कुछ अगर देखा जाए इस कंपनी के ऊपर अभी अच्छा खासा में है। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना आ गया होगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जो ये वीडियो जैसे मैंने पहले भी बताया ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी आप रिसर्च करिए। बाकी मैंने जैसे मैंने बताया ये सब कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दे दूंगा, जिससे आपको लगेगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर मेरी राय माने तो लगभग मैं भी इन्वेस्ट किया हूँ इसमें, आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ मैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।